आज जोराम पीपल्स मूवमेंट ने ZPM हेडक्वार्टर में राजनीतिक बैठक का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदू होमा ने 26 सीटों पर जीत का दावा किया। कुछ पार्टियों द्वारा चुनाव के बाद विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है, इस बात से आगाह करते हुए लालदू होमा ने ZPM उम्मीदवारों को इन सबसे दूर रहने की सलाह दी है। सिक्किम में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ जनता के द्वार पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज डेंटम के नवनिर्मित बहुउपयोगी स्टेडियम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने सिक्किम हेल्थ एक्सपो 2018 का आयोजन किया। स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार एडी सुब्बा, शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री एनके सुब्बा और सिक्किम तथा उत्तर बंगाल के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जो ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया, ये हमारा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने ये किया है। इसका सबसे बड़ा हाथ हमारा वो मंत्री महोदय, जो हमारे इस क्षेत्र का वो विधायक भी है, उसका ये सबसे बड़ा सोच है कि यहाँ की संपूर्ण जनता उसको वो रोग को मुक्त करने के लिए और शोक को मुक्त करने के लिए और यहाँ की सभी जनताओं को वो आयु लंबी रखने के लिए ये कैंप रखा है। असम अगरतला सीमा पर चुड़ाईबारी पुलिस थाने के समीप एक स्थान से 4 ड्रग्स तस्करों को बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर और युवा टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थों के साथ ही पुलिस ने एक वाहन भी जब्त किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 14,735 रुपयों की नकदी और 5 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए। मामले की जाँच जारी है। অ্যারেস্ট করেছি এনডিপিএস রিলেটেড, আমরা একটা কেস নেব এখন। এই কেস কানেকশনে 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে এবং একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করেছি। বাজার মূল্য তো আসলে ওপেন মার্কেটে তো ঠিক পাওয়া যায় না। আচ্ছা, তো উনি বলছেন প্রায় 70 লাখ বাজার মূল্য। आज विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर रविंद्र शतवार्षिकी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य की समाज कल्याण मंत्री शांतना चकमा उपस्थित थी। चकमा ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, इसलिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का निर्णय लिया है। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में रैंप बनाए जाएंगे। ত্রিপুরা রাজ্যে যে তাদেরকে চলাফেরার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রবলেম হয়ে যায়, তার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে যেমন আমরা 14টি বিল্ডিং এ র‍্যাম্প সিস্টেম আমরা করাবো এবং সেটা হয়ে যাবে। এর বাইরেও আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি কেন্দ্রতে, এর চেয়েও বেশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যাতে অফিসে কোনো জায়গাতে যেতে যাতে প্রবলেম না হয়, তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অফিসে যেতে হয় সেক্ষেত্রে যাতে তাদের কোনো অসুবিধে না হয়, তার জন্য আমরা আরো র‍্যাম্প সিস্টেমের অনেকটা আমরা বেশি আমরা সরকারি অফিস করবো